आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पूरे विश्व ने सुना है। जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है, भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है, भगत सिंह का नाम सुना है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम आपने सुना है, चंद्रशेखर आजाद का आपने नाम सुना है, सुना है कि नहीं सुना है? ये सब कौन थे? फ्रीडम फाइटर्स। कौन थे? फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा, मैं एक बड़ी फैक्ट वाली बात करना चाह रहा हूँ, खासकर सिंह। आमतौर पर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो पढ़ाई को बड़ा हल्के में बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई करके क्या रखा है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप, मैंने अभी जितने भी नाम लिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैं नाम लिया, महात्मा गांधी का नाम हो या सुभाष चंद्र बोस हो, ये सभी फ्रीडम फाइटर्स वेल एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड थे, यानी कि देश की आजाद, देश को आजादी दिलाने में जो बड़े नाम है उनमें से मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे लोग ही थे। इसके अलावा यदि मैं आज के समय की बात करूं तो आज जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां से, और वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में आप बात करें, आप गूगल की बात करें, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, आप मास्टर कार्ड की बात करें, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियों में आज जो मैनेजरियल लेवल की जो पोस्ट है, हायर लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट जो है, सीईओ लेवल की जो पोस्ट है, उन पर इंडियन से। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि लगभग 35 के आसपास, 35 के आसपास इंडियंस जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है, और उन कंपनी का रेवेन्यू जो है, उन कंपनी का रेवेन्यू, सालाना रेवेन्यू 1 ट्रिलियन के आसपास। आप लोग जानते हैं 1 ट्रिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख में 1 मिलियन होता है, और 1000 मिलियन में 1 मिलियन होता है, और 1000 मिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। मेटमेंस 1 ट्रिलियन यानी कि 1000 बिलियन। इतने रुपए का या कहीं डॉलर में शायद इतने डॉलर का जो है टर्नओवर है इन कंपनियों का, जिनको हमारे देश के युवा, हमारे देश के इंडिया, हम इंडियन सब कहे, वो लोग हेड कर रहे हैं इन कंपनियों को, वो लोग जो है इन कंपनियों में टॉप पोजीशन पर है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अच्छा, इनमें सबसे खास बात क्या है बताऊं मैं, इन लोगों में खास बात क्या है? इनमें से एक भी अनपढ़ नहीं, सबके सब पढ़े लिखे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वो देश को आजादी दिलाने की बात हो या देश को आगे प्रोग्रेस करने की बात हो, दोनों ही बातों में एजुकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो अनपढ़ है उसका देश की प्रगति में सहयोग नहीं है, अरे जो अनपढ़ है वो भी ये चाहता है कि हमारे देश में लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन वो मेरे बचपन से ही चाहती है कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं अच्छी पढ़ाई करूँ, और मैं अपने आप के लिए कुछ करूँ, मैं समाज के लिए कुछ करूँ, और मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी से करता है, वो भले टीचर हो, वो स्टूडेंट हो, वो कोई और काम करता हो, हर वो व्यक्ति जो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता है वो व्यक्ति देशभक्त है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई के महत्व को समझे होंगे, और आप लोग भी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, आपका काम है पढ़ाई करता, और वो आप पूरी ईमानदारी के साथ आप करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद अगेन।